नमस्कार, मैं विराज और आप देख रहे हैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया, गांव की गूंज दिल्ली तक। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्वाला सिंह जी। आइए जानते हैं और उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि जनशक्ति पार्टी को शुरू करने के पीछे उनकी क्या सोच रही और इस पार्टी को हम अन्य पार्टियों से अलग किस तरह से देख सकते हैं। सबसे पहले सर, आपका हमारे चैनल में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपका स्वागत करते हैं हम तहे दिल से। पहला सवाल ये उठता है कि जनशक्ति पार्टी को शुरू करने के पीछे आपकी सोच क्या रही? सर्वप्रथम मैं आपके दर्शकों का, लोकल न्यूज़ चैनल के दर्शकों का अभिवादन करता हूं और मैं अभयराज जी आपका भी धन्यवाद करता हूं कि आपने इस विषय पे हमसे बातचीत किया। जब हम सब पढ़ने आए थे यहां दिल्ली में, तो हम यहां पे शिक्षा ग्रहण करने आए थे। मेरा जो निवास स्थान है वो पूर्वांचल की धरती से आता है, तो पूर्वांचल की धरती से दिल्ली तक के सफ़र में तब हमें लगा था कि शायद देश संविधान के अनुसार चलता है, देश में कानून राज है, देश में सबको अपना मौलिक अधिकार जीने का अधिकार है। जब यहाँ आया तो महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं एक तरह से आप इस बात को मान सकते हैं कि पूर्वांचल की धरती, बिहार की धरती को अभाव की धरती कह सकते हैं। अभाव की धरती में अपनी रोजी रोटी के तलाश में जो लोग दिल्ली आए, उनको उनका मौलिक अधिकार जो है वो भी उनको नसीब नहीं हुआ। जो समानता के अधिकार है, जो सम्मान के अधिकार है, वो भी उनको नसीब नहीं हुआ। कहने के लिए मिनिमम सैलरी वेजेज सरकार तय करती है, उनको वो भी नसीब नहीं हुआ। दिल्ली सरकार बिजली बिल फ्री कर रही थी, बिजली बिल आधे कर रही थी। ये देख के काफी दुख हुआ कि जो मजदूर वर्ग जो 8 से 10 हजार रुपए महीना कमाता है, वो तो तब भी 8 रुपए यूनिट बिजली का बिल दे रहा है। उसके लिए कोई कानून नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई उससे मनचाही किराए वसूल रहा है, कोई उसे अपमानित कर रहा है, कोई कितने मजदूर दिल्ली मुंबई जैसे महानगरों में आने के बाद एक गुमनामी में खो जाते हैं, कितनों की जान चली जाती है। तो फिर हम सब ने मिल के ये तय किया कि क्यों ना इन लोगों की एक लड़ाई लड़ी जाए, क्यों ना भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जो लिखा हुआ हमारा मौलिक अधिकार है, जो मूल अधिकार है, उसकी लड़ाई लड़ी जाए, क्यों ना सच्चे मायने में आज़ादी को स्थापित किया जाए उस भारतीय संविधान के प्रस्तावना को लागू करा के। इसलिए हमने जनशक्ति पार्टी का निर्माण किया था। आपकी पार्टी आने वाले दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव है उसमें खड़े होने वाली है जी, तो वहीं अगर बात करें पार्टी के विस्तार की, तो वो कहां तक पहुंचा है और कितने लोगों को आपने अपनी पार्टी में एक पदाधिकारी के रूप में नियुक्त कर लिया है? जनशक्ति पार्टी दिल्ली में जो आगामी विधानसभा चुनाव हो रही है उसमें 70 सीटों पे चुनाव लड़ेगी। हमारी सदस्यता अभियान लगातार चलाया जा रहा है दिल्ली में, बूथ लेवल तक की कई विधानसभाओं में हमारी टीमें तैयार हो चुकी हैं। और जहाँ तक आप पदाधिकारियों की बात करते हैं, तो हर पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी पूरी तरह से तैयार होता है। हमारी भी पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी और प्रदेश कार्यकारिणी तैयार है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। अगर बात करें विधानसभा चुनाव की, तो किन नीतियों पर आपकी पार्टी ये चुनाव लड़ेगी और हम आपकी पार्टी को अन्य पार्टियों से अलग कैसे देख सकते हैं? जैसा कि आपको पता है, हमारी पार्टी का नाम जनशक्ति पार्टी है, तो ये तो स्पष्ट है कि जनता की शक्ति के लिए जनशक्ति पार्टी का निर्माण किया गया है। तो जब हम विधानसभा चुनाव में जाएंगे, तो विधानसभा चुनाव में हमारी नीतियां एक ही रहेंगी, जनता की सशक्तिकरण कैसे हो, महिलाओं की सशक्तिकरण कैसे हो, यूथ का सशक्तिकरण कैसे हो। आज जो मौजूदा सरकार है वो तमाम तरीके की घोषणाएं कर रही है, लेकिन किसी भी जो उनकी घोषणा है उस पर वो पालन नहीं कर रहे, उसका उसे धरातल पे नहीं उतार रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि जनता की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उन पे बातचीत किया जाए, उन समस्याओं का समाधान निकाला जाए। जैसे कि जब किराएदारों के लिए आपने बिजली बिल फ्री किया जी, एक तो आपने 4.5 साल कुछ नहीं किया, और जब 2-3 महीने इलेक्शन के बचे तो आपने फ्री किया। ऐसे में आपने कोई ठोस नियम कानून नहीं बनाया कि अगर कोई मकान मालिक नहीं लगाने देता है तो उस पर आप क्या एक्शन लेंगे। दूसरा हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है प्रवासी आयोग का, जो हम लोग मांग कर रहे हैं। प्रवासी आयोग क्यों? आज
बहुत से लोग अपने घरों से बाहर जाके रोजी रोटी की तलाश में अपने घरों से बाहर जाते हैं, ना वहाँ उनका रिश्तेदार होता है वहाँ पे, ना परिवार होता है, वो अकेले होते हैं। उनकी जिंदगी की सुरक्षा का क्या है, उनकी सम्मान के सुरक्षा का क्या है, उनके जीवन यापन का क्या है? क्या आपके पास कोई ऐसा आयोग है जो इस चीज़ पे विचार करे, उनकी जो बेसिक नीड्स हैं उस पे चर्चा करे या उनके लिए वर्कआउट करे? तो प्रवासी आयोग हमारा दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है इस चुनाव के लिए। ऐसे ही महिलाओं के लिए सारी सरकारें आती हैं, कहती हैं कि हम महंगाई कम कर देंगे, लेकिन जहां तक मुझे लगता है ये जनता को मूर्ख बनाने के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि ये इंटरनेशनल चीजें हैं। एक राज्य सरकार के बस की बात नहीं होती है कि महंगाई कम कर दे, लेकिन आप महंगाई कम नहीं कर सकते, आय के स्रोत तो बढ़ा सकते हैं। अब आय की स्रोत बढ़ाने के बहुत से तरीके हो सकते हैं। आप कुछ ऐसा गठन करो कमेटी का, जो घरों में महिलाएं जो दोपहर में उनके पास 2-3 घंटे 4 घंटे होता है उसका वो आउटपुट निकाल सके, उसमें वो कुछ ऐसा आप सिस्टम क्रिएट करो कि वहां से वो मैन्युफैक्चरिंग निकले। एग्जांपल में आप ये लिज्जत पापड़ का देख सकते हैं, एक सोसाइटी तो है, दुनिया भर की देश भर की महिलाएं उससे जुड़ी हुई हैं, सबके इनकम के स्रोत बनते जा रहे हैं। तो ऐसे महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी हमारे पास बहुत से उपाय हैं, बहुत से हमने वो फॉर्मेट बना रखे हैं। इन्हीं सब चीज़ों के साथ हम जनता के बीच जाने वाले हैं। ये आपने बहुत सही बात बताई है कि महंगाई कम करने की बात हर सरकार करती है, लेकिन अगर हम जो आपने कहा कि अगर हम इनकम के अगर स्रोत बढ़ा दें, आय के स्रोत बढ़ा दें, तो महंगाई अपने आप ही कम हो जाएगी, और महंगाई अगर बढ़ती भी है तो भी हमारी जनता को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए, ये तो वक्त आने वाला वक्त ही बताएगा कि महंगाई बढ़ती है घटती है या आय के स्रोत बढ़ते हैं घटते हैं, लेकिन हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आजकल आप देख रहे होंगे कि हमारे देश के अंदर अहिंसा हिंसा जैसी चीज़ें जो होती हैं वो भूल चुके हैं। गांधी जी के जो आदर्श थे कि अहिंसा पर चलने वाली बात, वो हम लगातार भूलते जा रहे हैं, और कभी मॉब लिंचिंग या इस तरह के अपराध हम आए दिन अपने देश के अंदर घटते हुए देखते रहते हैं। हाल ही में जो यूपी में योगी सरकार के अंडर जो एक केस हुआ है जिसमें मर्डर हुआ है एक ब्राह्मण का, उसके बारे में आपका क्या कहना है कि क्या सरकार जो है वो ब्राह्मण के बिना ये देश देख पाएगी? ये दुर्भाग्य है भारत का कि जिस गांधी के अहिंसा को सारी दुनिया पूजती है, उस गांधी के देश में इतना खुलेआम हत्याएं हो रही हैं। आज इंसान इंसान के खून का प्यासा बन गया है। मैं नहीं जानता ये किन कारणों से हो रहा है, ये राजनीतिक कारण है, धार्मिक कारण है, क्षेत्रीय कारण है, लेकिन सरकार को इस विषय में गंभीरता से सोचनी चाहिए कि आज गांधी का देश कहाँ पहुँच रहा है। आज हत्याएं इतनी सरेआम हो चुकी हैं और योगी सरकार खामोशी से बैठी हुई है, ये योगी सरकार के लिए बहुत शर्मनाक हरकत है। और जो अभी तिवारी जी की हत्या हुई है, ठीक है आज तिवारी जी हैं, कल हम होंगे, परसों आप होंगे, किसी का बच्चा होगा, आज दिन ये हत्याएं हो रही हैं, और इसमें योगी सरकार को एक्शन लेना चाहिए। और अगर आप सक्षम नहीं है एक्शन लेने में तो आपको तत्काल इस्तीफा देके और अपना गलती सुधारनी चाहिए। मैं जो लखनऊ में हत्या हुई है उसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं, और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी आग्रह करता हूं कि आप इस विषय पे एक्शन लें, योगी सरकार को बर्खास्त करें और ये हत्याएं रुकवाने का प्रयास करें, अन्यथा समाज पूरी तरह से टूट जाएगा। और जब समाज टूटता है तो स्थिति कितनी भयावह होती है इसका अंदाजा हम में से हर एक को है। तो सवाल जवाब तो हम फिलहाल के यही खत्म करते हैं, लेकिन वही बात करें दिल्ली की जनता की, तो आप ऐसा क्या मैसेज है जो हमारी जनता तक, हमारे दर्शकों तक आप पहुंचाना चाहेंगे? दिल्ली के जनता से तो पहले मैं ये आग्रह करूंगा कि आपका जो लोकल न्यूज ऑफ इंडिया है उसको वो देखें, इसमें उठाए गए मुद्दों पे विचार करें, और जनशक्ति पार्टी की तरफ से मैं आग्रह करूंगा कि आप लोगों की अधिकारों की लड़ाई, जो बेसिक अधिकार होते हैं जो संविधान के प्रस्तावना में हर एक भारतीय को मिलता है मूल अधिकार, उस अधिकार की लड़ाई को जनशक्ति पार्टी लड़ रही है, और आप लोग अपना साथ सहयोग आप लोग जनशक्ति पार्टी को दें। इसके साथ ही मैं आप लोग को भी हार्दिक धन्यवाद देता हूं, दिल्ली के प्रत्येक जनता को, तमाम देशवासियों को धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय जनशक्ति। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आपकी सोच जो हमारे देश में आने वाली राजनीतिक पार्टी के रूप में हमें देख के बहुत अच्छा लगा। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि हमारी जनता आपका कितने तहे दिल से स्वागत करती है, पर आशा हमारी यही रहेगी कि जो भी वो चाहें, लेकिन हमारी जो आपकी ये सोच है
ये आप राजनीतिक पार्टी के रूप में और हमारे जो हमारी दिल्ली में अगर सरकार बनती है आपकी, तो हम चाहेंगे कि जो भी आपकी सोच है ये और भी लोग आगे बढ़ाएं। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अभिराज, वीडियो जर्नलिस्ट अभिलाष के साथ लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया, गांव की गूंज, दिल्ली तक।